हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सभी का फूडीज लवर्स विद मुनमुन में। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन के 3 टिप्स जो कि मैंने इस्तेमाल किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। तो पहला टिप्स है, ये है एक प्लास्टिक की टोकरी जिसमें मैं हमेशा बर्तन जब भी माँज के रखती हूँ तो नीचे से पानी जो है वो स्लैब पे जमा होता जाता है, पानी निकलता नहीं है, जिससे कि स्लैब हमारी ख़राब हो जाती है। अगर आपके पास भी इसी तरह की टोकरी है तो ये टिप्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले टोकरी को हमें उल्टी कर देनी है और करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है प्लास्टिक के बोतल के ढक्कन, जो हम कोल्ड ड्रिंक लाते हैं मार्केट से, ये वो ढक्कन है। तो इसके जो चारों तरफ मैं 4 ढक्कन लेके इसको चिपका दूंगी और चिपकाने से इसकी जो है हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। आप देख सकते हो पीछे से ये टोकरी कैसी दिखती है। तो पानी जो है वो नीचे जमा होता रहता है और हमारी स्लैब हो जाती है गंदी। तो इस तरीके से आप ढक्कन का इस्तेमाल करके इस टोकरी की ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। आई होप आप लोगों को भी ये वाला टिप्स पसंद आया होगा। अगर आपके पास ऐसी टोकरी है तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये ट्रिक काम की है या नहीं। अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ टिप्स नंबर 2। तो ये है एक कप। हमारे पास अक्सर कप होते हैं, हम जल्दबाजी में अगर कप धोते हैं तो ये जो कप का जो हैंडल होता है वहाँ पर हम क्लीन करना भूल जाते हैं। मैक्सिमम ये होता ही है और इसको क्लीन करने का एक बेहद ही आसान तरीका है। अगर काफ़ी टाइम से आपने इसको क्लीन नहीं किया है हैंडल को, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर खाने का सोडा लिया और उसमें डाला है विनेगर। मेरे पास वाइट विनेगर नहीं था, जामुन विनेगर था, मैंने वो डाल दिया और लिया डिश वॉश, जो विम बार आता है लिक्विड आता है वो लिया है। इन तीनों को मैंने मिक्स किया और मिक्स करके एक टूथब्रश की सहायता से इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। ये टिप्स तभी काम आएगी जब काफ़ी टाइम से आपने इसके हैंडल साफ़ नहीं किए, और अगर आप इसको रेगुलर बेस पे इस हैंडल को किसी टूथब्रश की सहायता से हमेशा क्लीन करते रहेंगे तो आपका कप जो है वो हमेशा क्लीन ही रहेगा। तो ये देखिए, काफ़ी टाइम से ये कप क्लीन नहीं हुआ था और उसका हैंडल किस टाइप का था, गंदा था। अब क्लीन करने के बाद ये कितना क्लीन हो चुका है आप देख सकते हो। अब चलते हैं टिप्स नंबर 3 की तरफ। ये एक गुलाब जामुन का डब्बा है। अक्सर हम मार्केट से जब डब्बा लाते हैं गुलाब जामुन का तो इस तरीके का होता है और हम फेंक देते हैं, इसको इस्तेमाल में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं एक कंटेनर के तौर पे, मतलब कंटेनर बोल लोगे या चम्मच वगैरह रखने का एक बहुत अच्छा आइडिया है, चक्कू कुछ भी आप इस डब्बे में रख सकते हो, पर हमें इसको जो उसका डब्बे का बेस है इसको ढकने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं वॉलपेपर का। आप चाहे तो आपके पास कुछ भी हो, चाहे तो आप जो गिफ्ट पेपर आते हैं वो चिपका सकते हो। मेरे पास वॉलपेपर था, मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया, टुकड़े बचे हुए थे। तो आप इस तरीके से जो ऊपर का है कैसा भी डेकोर कर सकते हो, ये एक ईजी ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक डब्बे को वॉलपेपर से सजा दिया है और एक मैंने जो कपड़े की लेस आती है उसका इस्तेमाल करके भी मैंने किया है। फ्लावर पॉट भी बन सकता है, आप देख सकते हो भी मैंने चम्मच चाकू कुछ भी आप इन डब्बों में रख सकते हो। तो गाइज, ये थे 3 टिप्स आपके साथ मैंने शेयर किए। उम्मीद करती हूँ आपको ये 3 टिप्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।